आज हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो पहला हम इसमें भी ये हमें जानना होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें बनाना है। हमें क्वेश्चंस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना रहता है। अब जब हम ये बनाएंगे तो ये हम एक हमारा डेबिट साइड होगा और ये एक हमारा क्रेडिट साइड होगा। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर होंगे। तो डेबिट साइड में पहला सैलरी अकाउंट, सैलरी होगा। अब पेड फॉर लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का अगर कोई सैलरी इंक्लूडेड है, मतलब लास्ट ईयर का सैलरी जो पे किया है इस साल, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। और वैसे ही अगर नेक्स्ट ईयर का कोई सैलरी इंक्लूडेड है तो उसे लेस करना पड़ेगा। तो वो इन्फॉर्मेशन हमें एडजस्टमेंट में मिल जाएगा और वो एडजस्टमेंट हम यहाँ पे लेस कर देंगे। उसके बाद आई थिंक करंट ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग है तो उसे हमें ऐड करना पड़ेगा। और लास्ट ईयर कुछ प्रीपेड किया था, मतलब लास्ट ईयर का कुछ, लास्ट ईयर हम लोग ने पे किया था इस साल के लिए, लास्ट ईयर हम लोग ने पे किया था नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो अगर रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो ये सारे डिटेल्स, ये जो डिटेल्स हैं ये हमें या तो बैलेंस शीट में मिलेगा या तो अदर इन्फॉर्मेशन में मिलेगा। अदर इन्फॉर्मेशन या तो एडजस्टमेंट, अदर इन्फॉर्मेशन और एडजस्टमेंट दोनों सेम होता है। उसके बाद वेजेस, वेजेस हमारा एक्सपेंडिचर है, ये हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट साइड के पेमेंट साइड में मिलेगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है, ये भी हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट साइड के पेमेंट साइड में मिलेगा। रेंट, रेंट घर का कोई रेंट है या कोई बिल्डिंग का रेंट है, वो रेंट हमें पे करना रहता है, ये भी हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट साइड के पेमेंट साइड में मिलेगा और इसे हम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट, कोई लोन वगैरह लिया है और उसका इंटरेस्ट क्या कर रही, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है जो कि हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड के पेमेंट साइड में रहेगा और उसे हम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद है हमारा कन्वेंस, कन्वेंस फीस, मतलब कोई ट्रैवल वगैरह किया है तो उसका फीस पे किया है, तो ये भी हमारा एक तरीके का क्या रहेगा, एक्सपेंडिचर रहेगा, ये हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में मिलेगा। रेट्स एंड टैक्सेस भी हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में मिलेगा, ये भी हमारा एक्सपेंडिचर में आएगा। ये क्या होता है, कुछ टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह पे किया है तो वो सारे डिटेल इसमें रहते हैं, रेट्स टैक्स पे किया है तो वो रहता है। जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस कंपनी या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इंश्योरेंस भी लेती है, तो जो इंश्योरेंस का प्रीमियम जाता है वो वन काइंड ऑफ क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो ये भी हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड के पेमेंट साइड में दिया रहेगा, तो करंट ईयर का जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम है हम यहाँ पे लिख देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम में भी ऐसा हो सकता है, लास्ट ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम, नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और लास्ट ईयर ने करंट ईयर के लिए पे किया है, तो सेम चीज़ हमें जैसे सैलरी में किया है वैसे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अगर समझो लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर जो है इंश्योरेंस का प्रीमियम करंट ईयर के लिए पे किया है तो उसको ऐड करना पड़ेगा। अगर करंट ईयर में लास्ट ईयर का इंश्योरेंस पे किया है तो उसे लेस करना पड़ेगा, करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस पे किया है तो वो भी लेस होगा, और करंट ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस है तो वो ऐड होगा। तो ये चार चीज़ इसमें भी हो सकती हैं। सेम ऑडिट फीस, ऑडिट फीस भी पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया था, ऑडिट फीस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ऑडिट करवाता है और हर साल ऑडिट करवाने के लिए जो खर्चा लगता है उसको बोलते हैं ऑडिट फीस, ये भी हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में रहेगा और इसे हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस का छोटा मोटा जो भी एक्सपेंस होता है वो ऑफिस एक्सपेंस पे आता है, ये भी हमारा जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर अकाउंट में मिलेगा, ये ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग।
और ये हमें दिया रहेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में। सेम टेलीफोन एंड मोबाइल एक्सपेंस, ये भी हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में रहेगा और इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड में। मेडिसिन, सेम मेडिसिन भी। स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल जो होता है, जैसे कोई कंपनी है, सॉरी कोई क्लब है जो लोगों को, जो स्टूडेंट्स को सिखाता है कि किस तरह प्ले करना, किस तरह खेला जाता है। क्रिकेट क्लब हो गया, फुटबॉल क्लब हो गया, खो खो का क्लब हो गया, या ऐसे जो क्लब होते हैं वो स्टूडेंट को सिखाते हैं कि कैसे प्ले करते हैं। तो उसके लिए जो स्पोर्ट्स मटेरियल होता है वो भी वन काइंड ऑफ एक्सपेंस होता है, वो एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। अब इसमें पहला कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, मतलब अभी कभी कभी होता है कि स्पोर्ट मटेरियल करंट ईयर में ख़रीदा, ठीक है, और पिछले साल प्रीवियस ईयर में कुछ स्पोर्ट मटेरियल ख़रीदा था, तो पिछले साल का भी कुछ स्पोर्ट मटेरियल था और करंट ईयर भी ख़रीद लिया, और ये साल ख़त्म होने के बाद भी कुछ स्पोर्ट मटेरियल बच गया हमारे पास, तो जो स्पोर्ट मटेरियल बचा है वो अभी तक पूरा यूज़ नहीं हुआ, वो नेक्स्ट ईयर के लिए यूज़ होगा। तो इसके लिए कैसा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज, मतलब करंट ईयर में क्या परचेज़ किया वो ऐड हो जाएगा, अनलेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमें एडजस्टमेंट में दिया होगा, और जो करंट ईयर में जो परचेज किया है वो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में रहेगा, और ये ओपनिंग स्टॉक हमें जो दिया रहेगा या तो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा या तो बैलेंस शीट दिया है उसमें दिया रहेगा, इन दोनों जगहों पे दिया हो सकता है। अब उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयरिंग किया है, कुछ फर्नीचर बिगड़ गया उसको रिपेयर कर दिया, तो रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा हुआ, तो ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में दिया होगा और इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे एक्सपेंडिचर अकाउंट में। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां, जो भी कंपनियां होती हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लगता होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करते हो, तो ये भी हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड के पेमेंट साइड में दिया होगा और इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में। न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स, न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स क्या होता है, जैसे न्यूज़ वगैरह है, न्यूज़पेपर वगैरह, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्टूडेंट्स हो गए, कोई स्टूडेंट एजुकेशन फाउंडेशन है या कोई भी क्लब है, तो वो अपने मेंबर्स को न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने के लिए देता है और उसका एक्सपेंस होता है, तो ये हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में दिया रहेगा, इसको भी हम ट्रांसफ़र करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में। सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस है छोटा मोटा एक्सपेंस, वो भी हमें दिया रहेगा और उससे हम क्या करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट क्या हो गया, जैसे कि कुछ एसेट है उसे हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने बेच दिया, जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उस एसेट को बेचता है तो उसे या तो लॉस होता है या तो प्रॉफिट होता है, अगर उसे लॉस होगा तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे, लेकिन अगर उसे प्रॉफिट होता है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड, मतलब क्रेडिट साइड में आएगा, यहाँ पे क्रेडिट साइड में आएगा, तो ये वहाँ पे आ सकता है। ये हमें एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा कि कितने का एसेट सेल हुआ और एसेट कितने रुपए का था, अगर एसेट सम फॉर एग्जांपल 5,000 का है और सेल हुआ 60,000 में, तो 1,000 का प्रॉफिट हो गया, 1,000 का प्रॉफिट जो है हमारा इनकम साइड में आ जाएगा। वही अगर 5,000 का एसेट है और बेचा है 4,000 में, तो 1,000 का लॉस हो गया, वो हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा, तो ऐसे डिटेल हमें लिखने होंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, जैसे कि हम लोग ने फाइनल अकाउंट में पढ़ा था सेम वैसे ही है,
डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे, फिक्स एसेट पे जो भी परसेंटेज हमें दिया रहेगा, कभी कभी परसेंटेज दिया होता है, कभी कभी फिक्स अमाउंट दिया होता है। अगर फिक्स अमाउंट दिया रहेगा तो हमें क्या करना है, बैलेंस शीट में से उसको लेस कर देना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में ट्रांसफ़र कर देना है। वही अगर परसेंटेज में दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा जो भी फिक्स एसेट है, और उसका परसेंटेज निकाल के उसको माइनस करना पड़ेगा वहाँ पे बैलेंस शीट में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। अब सरप्लस, सरप्लस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारा जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर साइड हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का इनकम साइड बताऊंगा, और उसमें हम लोग इन डिटेल में इनकम साइड के बारे में डिस्कशन करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको एक्सपेंडिचर साइड समझ में आया रहेगा। अगर कोई भी आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद।